ये हो रही है यहाँ पर ग्रेट प्लेस टू वंडर पार्क। तो गाइस ये हमारा डॉगी जब पे बात करता है, हेलो प्लूटो। तो गाइस ये हमारे दोनों ट्विन्स बेबीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं उठ चुका हूँ। और आज है नए साल का सबसे प्रथम दिवस, यानी कि 2022 की आज ये पहली सुबह है। तो सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग मेरा चैनल देखते हैं, उन सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते पापा के पास, वो क्या कर रहे देखते हैं, शायद चाय बना रहे होंगे क्योंकि सुबह सुबह है अभी। तो पापा बना रहे हैं, हाँ चाय बना रहे हैं, पापा किचन में ही है। तो पापा हैप्पी न्यू ईयर पापा आपको। तो पिताजी के हमने चरण स्पर्श कर लिए हैं और अभी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड, और मेरा ठंड के मारे चेहरा पूरा वाइट वाइट आ रहा है, मतलब कैमरे की तरह। तो पापा चाय बना रहे हैं और आज मैंने कर रखी है छुट्टी, क्योंकि आज जो फर्स्ट डे होता है मैं रेस्ट करता हूँ हमेशा। तो आज हमारा कुछ प्लान है, शायद से हम जूलॉजिकल पार्क जाएंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि नीचे में प्लान है जाने का आज। तो मैं फटाफट नहा लेता हूँ और फिर चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आज जूलॉजिकल गार्डन जो कि है प्रगति मैदान के पास ही है वो। तो मैं नहाते फटाफट से। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं वेस्ट टू वंडरलैंड, बट यहाँ पर ये बहुत भीड़। एक्चुअली हम लोग निकले थे जूलॉजिकल पार्क के लिए, बट वो कोविड की वजह से बंद था, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। बट यहाँ की भीड़ देखो आप, ज़बरदस्त हो गई। गए सामने है टिकट काउंटर, यहाँ और ये बहुत भीड़, तो आपको मैं कभी और लेके आऊँगा यहाँ पर। और ये है टिकट लाइन इतनी लंबी, वेस्ट टू वंडर के बाहर है ऊट। तो क्या इतनी भीड़ पता नहीं क्यों है, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर है तभी शायद से इतनी भीड़ हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोपाल सिंह बिष्ट के यहाँ, यहाँ का प्लान ड्रॉप कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे। तो कोविड के बाद भी ये हाल है यहाँ पर। तो गाइस अभी माचो गोपाल के यहाँ पर, तो अभी करते हैं नॉक नॉक और उसको बुलाते हैं। देखो ये सोसाइटी है पूरी की पूरी, यहाँ पर बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मस्त एरिया एकदम। तो बुलाते हैं उसको। बस सिक्योरिटी तो बड़ी मस्त है, नहीं खुल रहा यार ये। हाय मिस्टर गोपी, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम गुड। तो गाइस अभी हम लोग बहुत सारी जगह भटकने के बाद आ चुके हैं मिस्टर गोपाल के यहाँ। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम जाएंगे पहले जू, लेकिन कोविड की वजह से वो था बंद। और उसके बाद हम लोग आए थे ये वेस्ट ऑफ वंडर, बट यहाँ पर भीड़ देख के मेरा भी कोई मन नहीं किया, तो हमने प्लान फिर दोबारा चेंज किया और आ चुके हैं आप गोपाल सिंह बिष्ट के यहाँ। तो गोपाल सिंह जी हमारा, गोपाल सिंह जी ये रहा, अपनी बिटिया यहाँ खेल रहा है। और अभी हमारे दो बालक सो रहे हैं, तो उनको हम उठाएंगे बाद में। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा डॉगी है हमारा, उससे भी आपको बात करवाते हैं, देखो बोलता भी है वो। तो गाइज ये हमारा डॉगी, देखो ये बात करता है, हेलो प्लूटो। गजब बेइज्जती है। तो कैसा लगा तेरे को आज का हमारा प्लान जो सुबह से हमने बनाया था? प्लान तो फ्लॉप हो गया, बट हम लोग अच्छी जगह पे आए हैं। तो गाइस दिल्ली में हो रही बहुत ठंड, तभी मैं गद्दा ओढ़ के आया था, लेकिन जो सारे के सारे प्लान थे हमारे चौपट हो गए। इसकी शक्ल किससे मिल रही है? वो नहीं रेसलर कौन, तुम देखा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ब्रॉक लेसनर लग रहा है ये, ये हमारा डॉगी ब्रॉक लेसनर है, शक्ल देखो ब्रॉक लेसनर। मैं लूंगी ना एक डॉगी, उसका नाम रखूंगी ब्रॉकली। अनु से मिलाओ भाई। ओके तो गाइस ये हमारी प्यारी बच्ची अनु। अनु हाय कर दो, हाय कर दो। हर चीज अनु को खाना नहीं देता। अनु शर्माती रहती है, बस हो गया। तो गाइस अभी चलिए प्लूटो की क्लास यहाँ पर, गोपू काटेगा ये मेरे को। पता है? Oh shit. No. Don't do that. Oh wow. Good boy. ये काफी अच्छा था ना। Little jump.
जंप तो गाइज ये है यहाँ का स्ट्रीट डॉग गोपू को बरसात में आता बहुत छोटे से टाइम पे और आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि सबको खाने को आ रहा है देखो हमसे बड़ा हो चुका है आज तो ये है गोपाल सिंह का बडी क्योंकि ये सबसे पहले इस घर में आया था गोपू के साथ और आज देखो मिस्टर गोपाल हैव थ्री किड्स एंड वन ब्यूटीफुल वाइफ और अभी भी उनके साथ है तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। चलो गाइस गोपाल तूने एक जान को बहुत ज़्यादा जान दे दी देखने भारी लग रहा है वो गोपू से बड़ा लग रहा है देख रहे हो देखने में शेर खान तो गाइस हमारे बेबी उठ चुके देखो ये छोटा वाला है और एक अभी भी क्या है अभी एक तो भी सो रहा है। ये बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से तो अभी हमारे दोनों ट्विंस बेबीज उठ चुके हैं तो आपको मिलाता हूँ एक है विवान और एक है विहान। तो गाइस ये है हमारे दोनों ट्विंस बेबीज ये है हमारा विवान ये है विहान और ये है विवान दोनों में से बड़ा कौन है बड़ा कौन है अच्छा विहान बड़ा है ये बड़ा है और ये छोटा है और इन दोनों में सिर्फ 1 मिनट का गैप है मतलब 1 मिनट पहले ये इसका जन्म हुआ था और 1 मिनट के बाद इसका तो दोनों के दोस्तों सेम लग रहे ना अगर एक रोएगा तो दूसरा रोता है नहीं रोता ये रो रहा है तो ये हंस रहा है ये उसको मार रहा है उल्टा तो गाइस चुका टाइम यहाँ से निकलने का चलते हैं घर को और पापा भी वहाँ वेट कर रहे हैं। आज हमने न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन था उसको हमने आज गोपाल सिंह के घर पर मनाया तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से विहान बड़ा विहान छोटा विहान एंड विवान हाथी डॉग कहाँ पर गया उसको बुलाओ आ गया आ गया आ गया भाई डॉग प्लूटो तो यहाँ से कहाँ से आ रहा है प्लूटो तो प्लूटो को बाय कर दो बाय प्लूटो विहान डॉक्टर के यहाँ तक भी ले जाते थे ना विहान कहाँ है भाई किस कौन से देख रहा है कुछ नहीं हुआ इतना बोल रहा है सो गाइस इट्स टाइम टू लीव बाय मीहू बाय मीहू और हमारी एक बच्ची सो रही है बाय बेबी मिलूंगी तो मैं चलो गाइस छोटे हैं अनु तो फिर बड़ी हो गई ना तो आज हम इन दोनों से मिले तो सबसे अच्छी बात रही कि हमारा कुछ भी था गड़बड़ जो भी हुआ लेकिन एंड में सब कुछ सही हो गया ना थोड़ा सा आगे जाके ये बैरियर होगा स्टेशन के अंदर जाएगा पहला जो प्लेटफॉर्म जो सीढ़ी आएंगी उसको छोड़ देना दूसरी वैली से सीधे उधर के नीचे वहां से मैप देख लेना पूरा बता चलो मिस्टर गोपाल ने सारा बता दिया कैसे घर जाना हमको चलो बाय बाय अब चलते हैं चलें चलो जा रहे भाई जाने दो हमको बाय 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 बेबी बाय बाय तो गाइस ये है देखिए आसपास का माहौल बहुत ही सुंदर और शांत इलाका है तो उसने मतलब पहला राइड बोला ना उसने गो स्ट्रेट तुम याद कहाँ आ रहा तुम यहाँ से आना है गो स्ट्रेट बोला ना तो गाइस देखिए दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं सुंदर लगे ना शांत एकदम चहचहा रहा है यहाँ सारी कोठियाँ बनी हुई है और ये देखिए ये है एरिया खाली तो बहुत सुंदर जगह है तो हम चलते फटाफट से घर क्योंकि हो रहा है हमको बहुत लेट तो गाइस देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग कर रखी है बहुत मस्त लग रहा है एकदम तो गाइस अब पहुंचो घर वापस और आज हमारा हो गया था पोपट क्योंकि हम निकले थे जूलॉजिकल गार्डन के लिए तो वो तो था बंद कोविड की वजह से और साथ में उसके बाद फिर जो हमने प्लान किया था वो था वेस्ट ऑफ वंडर का बट वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो
तो उसके बाद फिर चले गोपू के यहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर वापस। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा जो कि हम लोग गोपू के यहाँ चले गए मिलने के लिए उसको, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आज, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पर। और अभी मैं आते वक्त लाया हूँ अपने लिए समोसा और जलेबी, तो वो खा रहे पापा और मैं भी खाऊँगा। तो आपसे मिलते हैं कल गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। समोसा चाय जलेबी समोसा।